But this is a small thing, is making a big thing, and he is talking sir, about... जब उधर वो किया है उसके बाद they were get angry and they went there and they start to dig the ditches and they stop the vehicle and then in reverse they did this sir एक चीज पब्लिक को पूछी है इंडिया में सब काम का दवा दारू खाना पीना हॉस्पिटल सब कुछ इंडिया से होता है आपकी गाड़ी खुद जब आप आए होंगे तो फंस गया हो यदि उसमें दो ट्रैक्टर का मिट्टी डाल दिए दो रोड़ी डाल दी तो कोई बड़ा इशू नहीं वो भी आपके द्वारा सुनिए सर प्लीज लेट मी फिनिश इसीलिए मीटिंग हुआ था ही वॉज प्रेजेंट योर रिप्रेजेंटेटिव सर आल्सो प्रेजेंट आवर रिप्रेजेंटेटिव आल्सो प्रेजेंट पुलिस डिपार्टमेंट आल्सो प्रेजेंट सब लोगों के सहमति से हुआ था ठीक है इस रास्ते में गाड़ी चलने लायक आप लोग कर लीजिए लेकिन बाहर से लेकर डाला था नहीं क्या बाहर से लेकर तो यार तू मिट्टी थोड़ा डालिए बाहर से भीतर क्या फर्क पड़ता है यार तुमको अपोज था पहले नहीं सुने आपको अपोज था पहले ही अपोज मीटिंग में अपोज करते थे कि हम नहीं बनने देंगे काम खत्म कोई नहीं करता नहीं बनाना था लेकिन क्यों माने इधर का जमीन को खोदने को मना तो उसी समय आप अपोज करते थे ना कि नहीं बनेगा जी काम खत्म नहीं सर वो भी ठीक है जवाब नहीं है यदि हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि ये विवादित जमीन है आप भी समझ रहे हैं और हम भी 100% अगर भी ये इंटरनेशनल मामला है नेशनल मामला है ना आप डिसीजन ले सकते हैं ना हम ये अगर डिसीजन लेगी भी तो दोनों सरकार ले और जिस दिन सीमा का सीमांकन होगा कहाँ से किसका उस दिन डिफाइन हो जाएगा लेकिन जब तक ये होता नहीं है क्योंकि नेपाल से हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है नेपाल से जो हमारा है वो मैत्रीपूर्ण संबंध है किसी तरह का विवाद नहीं है अब दोनों आदमी जो है हम लोग आपस में बैठ के ही किसी मामला को सुलझा सकते हैं ठीक है 100% अब इसके लिए हम लोग देश विदेश का विदेश मंत्री उसका प्रधानमंत्री या उसका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठ के इस बात को वो जैया करेगा तहिया करेगा लेकिन अभी जो है अगर मान लेते हैं कि उस दिन जो मीटिंग हुई 2 माह पहले और उस मीटिंग में डिसीजन हुआ कि भाई थोड़ा बहुत आने जाने का रास्ता ले लो बना लो ठीक है अपना बनाया और चाहे जो कुछ भी किया विवादित हो गया उस जमीन को रोक दिया गया अब उसके रिएक्शन में ये करना कोई जरूरी नहीं था नहीं उधर क्या उसी का रिएक्शन है उधर गड्ढा मारा वो देखिए ना रिएक्शन ये आज सुबह सुन बाबा सुन दो जगह का मेरी बात सुन अब हो गया मैं बोल सर लेट मी स्पीक सर कैन आई सर वो किस कंडीशन में था रोड पहले उसी में हम बनवा देते हैं जो बनने से पहले जिस स्थिति में उस स्थिति में बनवा देते हैं यदि उसको कुछ हुआ तो है नहीं तो मिट्टिया को हटा देते हैं भरवा देते हैं यही ना इसको तोड़वा दीजिए आप चलिए हम आपको दिखाए अभी करवा देते हैं आप इसको तोड़वा दीजिए आज जिस स्थिति पहले स्थिति में पूर्व हम लोग भी करते अररिया जिस स्थिति उस स्थिति में ला दीजिए काम सर आपने बोला कि हमारे बंदों ने किया है आप सुनिए आप रखते हैं ना क्वेश्चन आप इसको तोड़वा दीजिए हम उसको चलिए आप भी थे अभी आंसर करवाएंगे अभी एक ट्रॉली सुनिए एक ट्रॉली चल के देखिए ना कुछ नहीं हुआ सर उसमें एक ट्रॉली उदिशा रास्ते गया हमने स्थिति लगाया
कोई भी नहीं आ रहा, वहाँ कुछ है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं वहाँ। वहाँ कुछ होगा तब तिरुमल कर एक बार सर प्लीज ज्योग्राफिकली आप देख लो ना फिर क्या है, ये सारे लोग पागल हैं। अरे सर यहाँ से नहीं नहीं 100 मीटर है, सर सर पर फैलो, सर दर्द पर फैलो, आपको ही सर प्लीज प्लीज आप आइए सर, ऑन साइट पर जब तक आप नहीं चलेंगे समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए हम लोग बोले ना कि विवादित जमीन है, अगर मान लेते हैं कि अगर वो हम उसको हम साफ करा देते हैं, वहाँ क्या है सर, आप क्या है मिट्टी फिलअप हुआ है, ईश्वर जी कोई है, गड्ढा बना मिनी गांव के लोग ने किया, दोनों गांव के लोग मिलकर गड्ढा बना बाइक से चल के रख दिया, क्या मिलकर किया तो ये कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर दिया ना सर, सर कोई रोड सर कोई रोड तो नहीं बना दिया, पहले यही लोग बनाया था। एग्री एंड व्हाई व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग देयर व्हाई सर, एक टोली हाम्रोसँग बोल्नु सर, यदि तपाईँको मान्छेले गरे होइन भने म त्यो हटाइदिन्छु सबै त्यो माटो अहिले ठिक है सर, यो हटा दिजो हटा दिजो, ये भी हटा दे, ओके अभी आई एम विद यू सर, आई एम विद यू सर, वहाँ का टोटल वीडियो है, बैठे हुए थे दवा, आई एम विद यू सर प्लीज, हम दोनों हैं, उसको बैठा दीजिए, उसको बैठा दीजिए, चलिए आई एम विद यू सर, वो तो एक टोली है सर, रूप ढंग टोला गयो पर सिटी उतने मारे, यू प्लीज हटा दीजिए सर, आई एम विद यू, कोई नहीं होगा, ठीक है आई एम विद यू, आप इसको हटाइए उसको हटाइए, चलिए आई एम विद यू। आपको आदमी ने नहीं किया है तो ये क्यों ये बोल रहा है, ये सारे लोग क्यों बोल रहा है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों क्यों ये अच्छा सर, तो वो तो देखने की चीज है ना, यही तो हुआ, यही जनता तो भरमा दी, यही जनता भरमा दी, दे आर मेकिंग फ्रिक्शन बिटवीन अस, दिस इज ब्लडी पीपल, दीज आर वेरी स्मूथ, दे आर मेकिंग देयर वोट, दे आर मेकिंग देयर बेनिफिट, दे आर लिसनिंग टू देम आवर वर्ड, हमारे कार नहीं है लाइन होना चाहिए, लेकिन एक मैंने अपने आप को बहुत तेज बुझ रहा है, आप विश्वास कर दीजिए ना सर, चलो कर रहा है उसने, आप विश्वास कर दीजिए सर, ब्लॉक कर रहे हैं आप, क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, हमारे साथ आप विजिट करें, हमारे साथ आप विजिट करें, हमारे साथ बताए भनु ना, मैं बाटो बन किनभने तपाईको सत्ता त्यहाँ ब्लॉक गरे अब बने के आज हमने उहाँहरुलाई कराउँदाखेरि मैले त्यही भन्नु भाई, तब तुम ऐसा करोगे तो ब्लॉक करेगा, हम क्या करें, इसको परेशान नहीं हो, तीन दिन तक ले कंटिन्यू गए हम, इस बार उसको फिलिंग करवा दीजिए, इसको सगदाव में खड्डा कम मारा था, यही है अभी गड्ढा, हम लोग के कहने से वो लोग मारे उल्टे देख रहा है, कमांडर तो आ रहे हैं ना, वो बात हुआ था कि मिट्टी भरो यहाँ तो सब रास्ता भी दोनों पट्टी से बने, कहीं नहीं भरेगा, ठीक है कोई मिट्टी कहीं नहीं भरेगा, काम खत्म, कोई मिट्टी कोई काम नहीं होगा भाई, इनको मरने दो, साले यही लायक है ये पब्लिक इसी लायक है, इनको गड्ढे में रहने दो, ये इसी लायक है, सर सर देखिए रास्ता में रास्ता ब्लॉक किया, हड्डे भी ना है, ये मिट्टी का मामला नहीं है, एक सप्ताह हो गया, अब सुबह उसको फील किए हैं, देखिए तो सर बैठ कर काम करना चाहिए, अच्छी बात है, हमको बताइए ना, हमें बताइए सर, हमें बताइए, हम लोग आपको बताने के लिए तो आप यहाँ रहते नहीं है, दो लोग हमारे कैंप में लेटर दे दो ना, हमारे कैंप में लेटर मीटिंग के लिए हम आ जाएंगे, हम अभी लेटर फिर भी आप बोले कि पब्लिक ऐसे कर दिया, हम क्या करें, ये क्या तरीका है, ये बहाने क्या मतलब।